हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में दीपेंद्र हुड्डा की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। इतना कोई भी नेता कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी के हरियाणा दौरे में नहीं दिखा जितना दीपेंद्र हुड्डा दिखे हैं, जबकि वे लगातार पूरे प्रदेश में प्रचार भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी हरियाणा के चुनाव प्रचार में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए लगातार जुटी हुई है और उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा ने भी मंच साझा किया। रैली में भीड़ देखकर उत्साहित प्रियंका गांधी ने जनसभा में दीपेंद्र की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र कई वर्षों से आपके बीच में है, वो पूरी मेहनत और विनम्रता के साथ जनता की सेवा और विकास कार्य करवा रहे हैं, इसलिए वोट देते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप किस नेता को चुन रहे हैं। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। आप समझिए कि बदलाव की शक्ति आपके हाथों में है। आज अगर आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपके लिए काम करे, तो आप आसपास देखिए, मेरी बातों पे भी मन चाहिए, देखिए कि संघर्ष करने वाला कौन है। ये दीपेंद्र जी बैठे हैं, जानती हूँ अच्छी तरह दीपेंद्र जी को, मैं सालों से देख रही हूँ। और ये मत समझिए कि सिर्फ इनकी बातों पे मैं कह रही हूँ, मैं पूछती हूँ लोगों से, हरियाणा से कोई आता है मैं पूछती हूँ, दीपेंद्र जी मिलते जुलते हैं लोगों से, गांव में जाते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, हमेशा यही पता चलता है कि मेहनत करते हैं, कि इनका घर इनके दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। देखिए जब हम नेता को चुनते हैं तो जो दो चार चीजें मन में रखनी चाहिए कि इसने अपने जीवन में क्या क्या किया है, क्या जनता की सेवा की है, संघर्ष किया है, इसकी क्या कहानी है। तो हम लोग देखते हैं, चलो इस नेता ने संघर्ष किया है या इस परिवार ने अपने देश के लिए शहीद किए हैं, अपने परिवार के सदस्य शहीद हुए हैं, या फिर इस परिवार ने काम किया है, या चलो ये नया लड़का है बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करते हुए देखा है हमने, संघर्ष करते हुए देखा है। तो एक तो ये बात होती है, दूसरी बात होती है कि जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया है वहाँ क्या हो रहा है। तो जहाँ जहाँ, जैसे दीपेंद्र जी भी इतने समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं, रोहतक में काम करते हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपने खुद देखा होगा कि हाँ भाई, इनके समय में क्षेत्र में परिवर्तन आया, नौजवानों को थोड़ा रोजगार मिल रहा था, हमारी कमाई इतनी मुश्किल नहीं थी, तो ये भी देखते हैं हम। और फिर हम नेता की नीयत देखते हैं कि नेता जो हमें बता रहा है, जो कह रहा है, उसमें सच्चाई है कि नहीं है।